दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ते ही राजधानी दिल्ली की मछलियों की डिमांड बढ़ गई है। जी हाँ, दिल्ली में अलग अलग किस्म की जो मछलियाँ हैं वो बिक रही हैं। आपको दिखा दें, रोहू हो, चाहे प्यासी, चाहे मंगूर या कतला, और चाहे झींगे की बात की जाए, अलग अलग तरीके से जो मछली खाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मछली खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप दिल्ली के महिपालपुर इलाके की देख रहे हैं, जहाँ पर दुकानदार ने अलग अलग किस्म की मछलियों से दुकान को सजा रखा है, क्योंकि सर्दी में लोग मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मछली को पकौड़े बनाकर भी खाया जाता है, साथ ही साथ उसका टिक्का, चाहे अलग अलग तरीके से मछली खाने वाले लोग मछली को खाते हैं, और इसी वजह से सर्दी में मछली की डिमांड बढ़ जाती है। वहीं अगर जानकारों की माने तो जानकार ये भी बताते हैं कि सर्दी में मछली खाने से एक अलग तापमान मिलता है, जिस तरीके से जो गर्मी होती है वो मिलती है, इस वजह से जो मछली की डिमांड है वो सर्दियों में बढ़ जाती है, और अलग अलग किस्म की जो मछलियाँ हैं दिल्ली में आकर बिक रही होती हैं। आपको दुकान दिखा रहे हैं महिपालपुर की, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग वैरायटी की जो मछली हैं वो यहाँ पर बिक रही हैं, और उसको खरीदने के लिए जो खरीदार हैं वो भी दुकान पर पहुँच रहे हैं। जाहिर सी बात है, सर्दी में अलग अलग तरीके से लोग अपने आप को सर्दी से बचाते हैं, उसी क्रम में मछली भी एक फ़ायदेमंद साबित होती है, और लोग इस वजह से जो मछली है वो खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से दुकान के अंदर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, और साथ ही साथ मछली खरीदने वाले जो लोग हैं वो यहां पर बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं, और दुकानदार भी इससे